हेलो, मैं जय उसे केयर टेकर रेडिएटर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजो को पॉट्स नियो के बारे में और इस वीडियो में हम लोग इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं कैसा है ईयरफोन। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो कुछ ऐसा है डीजो को पॉट्स नियो का बॉक्स और साइड साइड में मेंशन किए गए कुछ हाईलाइट्स को, जैसे कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 28 आवर्स ऑफ टोटल प्लेबैक और 10 mm डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर, और दूसरी साइड मेंशन किया गया 88 ms लो लेटेंसी मोड, ट्रांसपेरेंट मोड और डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉल्स। और पीछे की साइड डीजो को पॉट्स के बारे में लिखा गया है। और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बॉक्स स्लाइड होकर ओपन होता है। और बॉक्स ओपन करते ही हमें दो सेक्शन मिल जाते हैं। एक सेक्शन में रखा गया दोनों ईयरबड और एक सेक्शन में रखा गया चार्जिंग केस। और चार्जिंग केस रैप्ड है प्लास्टिक में। प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और केस मैट फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऊपर की तरफ रखा गया दोनों ईयरबड जो कि रैप्ड है प्लास्टिक में। इसकी प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और ये दोनों ईयरबड ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। और देखते हैं और हमें बॉक्स में क्या मिलता है। और बॉक्स ओपन होने के बाद USB टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाता है और उसके नीचे हमें यूजर मैनुअल मिल जाता है और चार ईयर टिप्स मिल जाते हैं, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग देख लिया। और बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो बॉक्स मैट फिनिश के साथ आता है और बॉक्स ओपन करते ही हमें दोनों ईयरबड मिल जाते हैं और सामने की तरफ आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है और पीछे की साइड आपको एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और बॉक्स काफ़ी छोटा है और लाइट वेट भी है। तो कुछ ऐसा दिखता है डीजो गो पॉट्स नियो। और बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो ये ईयरफोन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है और इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है जिससे आपको बाहर की आवाज़ पूरी अच्छे से सुनाई देगी। और इस ईयरफोन में आपको 28 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाता है और सिंगल ईयरबड में आपको 7 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है। और इस ईयरफोन में आपको 10 mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है और इस ईयरफोन में आपको 88 ms का लो लेटेंसी मोड मिल जाता है जो कि गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और इसमें आपको डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है फॉर कॉल्स। और ये ईयरफोन IPX5 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है और ईयरफोन की डिजाइन काफ़ी अच्छी है। इस ईयरफोन में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है जिसकी वजह से आपका ईयरफोन काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से। और इस ईयरफोन में आपको दो इनबिल्ट माइक मिल जाते हैं जो कि कॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और बात करते हैं इसके कलर वेरियंट के बारे में। तो इसमें आपको दो कलर वेरियंट मिलते हैं, एक है ऑरा और दूसरा है डीप ब्लू। मैंने डीप ब्लू ऑर्डर किया था जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है और मैट फिनिश के साथ आता है। और बात की जाए इसकी करंट प्राइसिंग के बारे में, तो फ्लिपकार्ट पे इसकी करंट प्राइसिंग है 1799 रुपये। आपको 1800 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छा ईयरफोन मिल जाता है। और बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में, तो काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। 1800 रुपये के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है और कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप इसको बेशक खरीद सकते हैं। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।